12 जून बरोज इतवार कलीम दिलावर हॉल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडिकल कैंप रखा गया था। ये मेडिकल कैंप मेडिकल हेल्प कमेटी की जानिब से रखा गया था और हमारे मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन से इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे। अल्लाह का बेपनाह शुक्र रहा कि टोटल हमने 751 पेशेंट चेक किए, जो हमारे रजिस्टर के ऊपर नोंद है 751 पेशेंट यहाँ पर चेक हुए आज, और जिनको हमने डायरेक्ट मिलकर जो जिन्होंने हमसे ओपिनियन लिया जो फाइल वगैरह लेकर आए थे वो पेशेंट अलग, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन ये 751 पेशेंट के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह 150 से 200 लोग ऐसे हैं जिनको अर्जेंट में इनका ऑपरेशन करने की बेहद ज़रूरत है और वो काफ़ी गरीब है, उनके काफ़ी हालात ख़राब है। जब उन लोगों से हम लोगों ने डिस्कशन किया तो उन लोगों का बोलना ये था कि यार हमारे घर में सही तरीके से खाने के मामले रहते हैं तो हम लोग इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कहाँ से करवाएंगे। तो अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि हम लोगों ने आत्मा मलिक हॉस्पिटलों की डॉक्टरों की टीम से जब जाकर कॉन्टेक्ट किया, उन लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया, उसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों के ऑपरेशन वहाँ पर ले जाकर हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा मालेगांव शहर के काफ़ी डॉक्टर हजरात यहाँ भी आए थे, उन्होंने आने के बाद अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम दी, उन्होंने भी कई पेशेंट चेक किए। तो उनका भी ऐसा बोलना था कि शफीक भाई अगर हमारी टीम से बोला गया, मेडिकल हेल्प कमेटी टीम से बोला गया कि ये अगर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो हम लोग इनका कम खर्च के अंदर ऑपरेट कर देंगे। तो जो नासिक उसके अलावा कोपरगांव आत्मा मलिक हॉस्पिटल अगर ये लोग नहीं जाना चाहते और वो मालेगांव में ही अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनसे भी मिलकर और जो काम फ्री में होगा वो काम हम लोग आप लोगों का फ्री में करके देंगे। हम लोग हमारी जात से जितनी मेहनत कर हो सके उतनी मेहनत करके हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ देगी। देखो मैं एक बात आप लोगों तक बोलना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम में क्यूरी निकालने से बेहतर है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, क्यूरी निकालने से बेहतर है कि इन्होंने कितना किया, किसको कहां लेके गया, किसका क्या किया, किसका इलाज किया नहीं किया। तो मैं मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं खुदा के वास्ते कि आप लोग आकर हमारी टीम में शामिल हो जाए, हमारा साथ दे, ना कि उसमें क्यूरी निकाले। ये बोलने की वजह यह है कि आज ये पेशेंट 751 पेशेंट यहाँ आकर इलाज करा रहे हैं, ये आज का रिकॉर्ड है, और जिन तक हमारी बात नहीं पहुंची होगी वो कितने होंगे सोचो। इनके वहां खाने के मामले हैं, ये पैसे के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये खाने को मोहताज है, ये इतने बड़े बड़े ऑपरेशन से वो पैसे के डर से बाहर निकल कर करवा नहीं पा रहे। अगर हमने इनका काम कर दिया तो हमसे अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी राजी होगा, और वो उसके दिल से अगर कुछ छोटी सी दुआ भी अगर निकल गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों से गुजारिश करना चाहता हूँ और मीडिया वालों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने हमारे ये प्रोग्राम की वीडियो लगाई और अखबारों में दिया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों की वजह से ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचा और पब्लिक यहाँ पर आने में कामयाब हुई और हमारा कैंप भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। हम लोगों ने जितना सोचा भी नहीं था उससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ, अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी दी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके रसूल का शुक्र अदा करते हैं और मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मेडिकल कैंप में अपना कीमती वक्त दिया और डॉक्टरों को भी आप लोगों ने अच्छी से मतलब आके यहाँ पे उन लोगों को बताया और डॉक्टरों ने आप लोगों की जिन डॉक्टरों ने आकर यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा के वास्ते हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम रेगुलर ये मेडिकल कैंप को अब जारी रखेंगे और मालेगांव शहर में जितने भी पेशेंट जो ऑपरेशन के मामला से है वो हमारी पूरी टीम से कॉन्टेक्ट करें और हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करने के बाद जितने भी हमारे पॉम्पलेट के ऊपर नंबर दिए गए थे आप लोग उनसे रास्ता कायम करें और रास्ता कायम करने के बाद आप उनसे टच में रहे। अब इंशाल्लाह यहाँ से रेगुलर हम लोग आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, चाहे वो मालेगांव का मामला हो, धुलिए का हो, औरंगाबाद का हो, नासिक का हो, या कोपरगांव का, सिरडी का हो, या बॉम्बे का हो, कहीं का भी हो आप लोगों की रहनुमाई हम लोग करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।